थैंक यू भैया। अरे मैम, तो मेरे पैसे तो दे दो। कौन से पैसे? मैं आपको अपनी गाड़ी में इतनी दूर से लेकर आया हूँ और आपके 1500 रुपए बनते हैं, और आप कह रहे कौन से पैसे? कौन सी राइड, जब मैं कैब में बैठी नहीं तो पैसे क्यों दूँ? मैडम चुपचाप मेरे पैसे दे दो वरना। बदतमीजी, वो गाड़ी के ड्राइवर, तेरी औकात क्या है? अगर मैं पूरी सिटी ऊंची आवाज में चिल्ला दूँ ना, ये जो आस पास लोग खड़े हैं ना, कुछ जाने और पूछे तेरी ऐसी हल करेंगे, तेरी पूरी शक्ल बिगाड़ देंगे, समझा? आप मेरे पैसे दे दो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। अच्छा जी, पुलिस को बुलाएगा? बुला ना, बुला पुलिस को। मैं भी देखती हूँ पुलिस क्या करती है, और तुम आदमियों की ना कोई पुलिस वाला नहीं सुनता। अगर मैंने ये बोल दिया ना कि तू मुझे छेड़ रहा था, तो तू और ये तेरी खटारा गाड़ी दोनों अंदर जाएंगे, समझा? मेरे पैसे दे दो, मुझे अपनी बच्ची के स्कूल के पैसे भरने हैं। चल मैम, मुझे अपनी कैब के पैसे भरने। मैम मैम, मेरे किस स्कूल? मैम आखिर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना पैसा आया कहाँ से। वो तुम कह रही थी ना कि नेहा का एडमिशन हमने किसी बड़े स्कूल में करवाना है, तो कल चलकर हम उसका एडमिशन करवा देते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन इतना हक तो है मेरा कि मैं ये जान सकूं कि पैसा आया कहाँ से। वो मैंने अपनी गाड़ी बेच दी। ये क्या कर दिया आपने? अब हमारा क्या होगा, कैसे चलेगा हमारा घर खर्च? आपने आपने गाड़ी देखो, सब ठीक हो जाएगा, तुम रो मत। क्या किया ये आपने? क्या होगा हमारा? अरे भैया आप? हाँ मैम, मैं। और आज आपकी वो चीख कहाँ गई जो उस दिन आप चीख चीख के लोगों को बुला रही थी, मुझे पुलिस के हवाले करना चाहती थी? आज आपकी वो चीख नहीं निकली, आज आपने लोगों को नहीं बुलाया। आज ही आप चाहते थे कि ये लोग भी पिटे, लेकिन आज आप चुप रहे। सॉरी भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैडम आपकी वजह से मेरी गाड़ी तक चली गई, मेरे घर में खाने तक के लिए पैसे नहीं है। आप लोगों को क्या मिलता है हम जैसे गरीबों को तंग करके? भैया उस दिन के लिए I'm really sorry. आगे से मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी, और मेरे पास देने के लिए आपको पैसे भी नहीं है, वो गुंडे मेरा सब कुछ छीन के ले गए। भैया प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। थैंक यू भैया। गरीब किसी का बुरा नहीं सोचता, बस वो इतना सोचता है कि उसका पेट कैसे पले, उसके परिवार का पेट कैसे पले। इसलिए गरीबों की इज्जत कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिए।